हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 26 अप्रैल 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आज की न्यूज। पहला जो क्वेश्चन है उसमें पहला स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल है वो प्रोड्यूस किया जाता है नॉन फूड बायोमास के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सेकेंड जनरेशन एथेनॉल है वो प्रोड्यूस किया जाता है शुगर्स और इसी के साथ ही वेजिटेबल ऑयल से। हमें पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो, जैसा हमने पढ़ा है काफी बार कि फर्स्ट जनरेशन जो फ्यूल है ना वो तो बेसिकली फूड बायोमास होते हैं, उनसे प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि शुगर हुई, वेजिटेबल वगैरह, इनसे। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा भी गलत है। दूसरा जो यहाँ पे हम बात करें, सेकेंड जनरेशन जो एथेनॉल है वो प्रोड्यूस किया जाता है नॉन फूड बायोमास के द्वारा, जैसे कि कोई भी फसल का रेसिड्यू, वेस्ट वगैरह बचे हो, सब्जियों के छिलके, इस टाइप की चीजें, उनसे बनाया जाता है। तो मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी है, सॉरी डी है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है सेंडाई फ्रेमवर्क को। आपको बताना है कि सेंडाई फ्रेमवर्क जो इनिशिएटिव है वो किस ऑर्गेनाइजेशन का है। तो देखो, जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ना ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा आया था, ये आपको ध्यान में रखना है। सेंडाई सिटी कहाँ की है, चलो आप ये बताइए, ये सेंडाई सिटी है ये कहाँ पे है, और ये आपको बताना है कि सेंडाई फ्रेमवर्क है किस लिए। ये दोनों ही चीजें आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये सेंडाई फ्रेमवर्क और सेंडाई सिटी के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चिल्का लेक के बारे में, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट ये है कि है एक ब्रैकिस लैंगून है, दूसरा ये कह रहे हैं कि है मोन्टेक्स रिकॉर्ड में इंक्लूड है, और तीसरा ये कह रहा है कि भैया रामसर साइट भी है। आपको बताना कि कौन सा यहाँ पे सही है। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आपको पता चल गया होगा यो कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रामसर जो मोन्टेक्स रिकॉर्ड है, सॉरी, इसमें इंडिया की केवल दो ही साइट है, एक तो है राजस्थान की केवला देव और दूसरी है यहाँ पे हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताना कि वो दो साइट है वो मोन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। चिल्का लेक को स्टार्टिंग में शामिल किया गया था 1993 में, बट बाद में इसको हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि चिल्का लेक के लिए गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया, तो इसलिए इसको मोन्टेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। तो अभी करेंटली एट्रिब्यूटेड दो ही साइट है वो इंक्लूड है। नॉर्थ ईस्ट की जो साइट है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप देखोगे तो सेकेंड आंसर इसका गलत होता है। तो अगर सेकेंड को आप एलिमिनेट करोगे तो पहला भी गया, दूसरा भी गया और चौथा भी गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कि ए और बी, हम बात करें फर्स्ट और थर्ड है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पकल दल और इसी के साथ ही लोअर जो कलानी हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है, कौन सी नदी पे है मतलब। तो देखो, आपको जैसा पता ही होगा कि पकल दल जो और इसी के साथ ही जो लोअर कलानी हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में है, और जम्मू एंड कश्मीर में आप देखोगे तो कावेरी रिवर भी नहीं हो सकती, ब्रह्मपुत्रा भी नहीं हो सकती, लोहित भी नहीं हो सकती। ऑप्शन अपने आपके एक ही बचा हुआ है, चेनाब रिवर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको बताना है कि कौन सा इनमें से अनकन्वेंशनल टाइप का नेचुरल गैस है। अनकन्वेंशनल का मतलब होता है हिंदी में गैर परंपरागत। गैर परंपरागत जो आपको नेचुरल गैस के रिसोर्स है वो यहाँ पे बताने हैं। सेल गैस, दूसरा है कोल बेड मीथेन, तीसरा है मेथेन हाइड्रेट। देखो, ये तीनों के तीनों ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है। इसका आंसर होगा डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वो तीनों ही अनकन्वेंशनल टाइप के नेचुरल गैस हैं। अब देखते हैं आज की न्यूज। पहला जो आर्टिकल है वो है बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन को लेके। अब बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन को देखो सीबीडी के नाम से मेनली जानते हैं, इसका वैसे रियल नेम वो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, बट मोस्टली इसको बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। देखो, आपको बता होगा कि इन्वायरमेंट को लेकर सबसे पहले हुई थी 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। इनमें इन्वायरमेंट की ऑल ओवर वर्ल्ड में पहली बार बातचीत हुई थी 1972 में। इसके बाद में अगर रियल रूप में देखा जाए बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, बहुत जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1992 में अर्थ समिट हुआ था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और उस अर्थ समिट के दौरान ही निकली थी कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, या हम बात करें कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। ये आपने UNFCCC का नाम भी सुना होगा, वो भी इसी से निकली है। इसी से कहाँ से? अर्थ सबमिट से ही निकली है। अर्थ सबमिट हुआ कहाँ पे था? रियो डे जेनेरियो। ये कहाँ पे है? ब्राजील में है। तो पहला फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थ सबमिट हुआ था 1992 में, वहां पे काफी सारी चीजें निकली थी। सबसे पहले तो हम बात करें सीबीडी भी वहीं से निकली थी। इसके साथ जो कॉन्फ्रेंस और पार्टीज होती है ना,
वो भी बेसिकली वहीं से उनकी स्टार्टिंग है, वो हुई थी UNFCCC है, वो भी वहीं से स्टार्ट हुई थी। इसके साथ ही डेजर्टिफिकेशन के लिए भी है UNCCD, ये सारी चीज़ें वहीं से स्टार्ट है, वो हुई थी, मतलब जो अर्थ समिट होता है इसके बाद ये धीरे धीरे स्टार्ट हुई थी। अब देखो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन को रेक्टिफाई करने के लिए इंडिया ने खुद ने अपना एक्ट भी बनाया था जिसका नाम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अब ये काम क्या करता है, बायोलॉजिकल कन्वेंशन, बायो सॉरी बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी बायोडाइवर्सिटी है ना इसको कंजर्व करने के लिए यहाँ पे कन्वेंशन बातचीत है वो की गई है। तो इंडिया ने ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने इंडिया के अंदर जो भी बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट है वो बनाया था 2002 में, और इसको आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ जो ये कॉन्फ्रेंस की गई थी इसको गवर्न किया जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के द्वारा, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन है ना इसको किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, इसको गवर्न किया जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि आपको पता है हर साल होती है। अब कुछ और फैक्ट देखते हैं, जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना इसके दो पार्ट है, एक तो है कार्टिजिना प्रोटोकॉल, एक है नगर प्रोटोकॉल। काम क्या है, सबसे पहले तो हम वो देखें सीबीडी का। देखो सीबीडी का सीधा मतलब ये है कि आपको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा ट्रेड टाइप का नहीं हो कि जिससे कोई आप मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं बना पाओ कि जिससे जो रियल बायोडाइवर्सिटी है वो खतरे में पड़ जाए। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि आप बायोडाइवर्सिटी को खतरे में डाल दो। अब जो कार्टिजना प्रोटोकॉल है ना ये तो आया था 2000 में, और नगोया प्रोटोकॉल आया था 2010 में, दोनों किसके पार्ट हैं, सीबीडी के पार्ट हैं, आपको ध्यान में रखना है। कार्टिजिना प्रोटोकॉल सीधा ये कहता है कि भाई साहब जो भी जीएम या मॉडिफाइड क्रॉप्स है ना इनका ट्रेड वगैरह हो या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजी जा रही हो तो कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दूसरी कंट्री के अंदर इसको भेज के वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर दो। जैसे कि मान लो कि जीएम क्रॉप्स इंडिया ने अलाउ नहीं कर रखी है, तो ये नहीं कि यूएस इंडिया में जीएम क्रॉप्स को इनडायरेक्ट किसी दूसरे तरीके से भेजे और फिर इंडिया में जो मस्टर्ड की क्रॉप्स है वो खराब वगैरह हो जाए। तो इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ, मतलब कि वह बायोडाइवर्सिटी है ना उसको कंजर्व करना है, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई भी आप ऐसी मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाओ उससे बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व रहनी चाहिए। नगर प्रोटोकॉल ये कहता है कि भाई साहब जैसे ये एग्जाम्पल ले लो, जैसे ये मान लो कि एक नेशनल पार्क है या ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके इस वाले एरिया में कोई भी बाहर के रिसर्चर्स वहाँ के रिसर्च करते हैं, तो यहाँ पे जो रिसर्चर्स ने रिसर्च किया ना इसका फायदा जो इस वाले एरिया में लोकल लोग रहते हैं ना कि लोकल कम्युनिटी, उनको भी इसका फायदा मिलना चाहिए। मतलब नगर प्रोटोकॉल ये कहता है कि भाई जो लोकल लोग हैं ना वहाँ के इनको भी इनका बेनिफिट मिलना चाहिए, वहाँ पे जो भी आप रिसर्च कर रहे हो वो भी आपके रिसोर्सेज का यूज है वो कर रहे हो। जैसे किसी फॉरेस्ट के अंदर गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लगा रही है तो उसका फायदा वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना इनको भी होना चाहिए। और जो इसी के साथ ही जो आती टारगेट्स है ना 20, वो नगर प्रोटोकॉल के तहत ही हैं, तो यूपीएससी इनके बारे में पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है जिंक डेफिशिएंसी राइजिंग इन इंडियंस। देखो जिंक है ना आपको पता है कि क्या होता है, आपने पीरियोडिक टेबल वगैरह तो खैर कभी पढ़ी होगी, तो उसी उसमें आता है जिंक। जिंक ना देखो एक तरह का मिनरल है जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमारी बॉडी पे कोई भी से घाव चोट वगैरह हो गई तो उसको भरने में जिंक काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही हम बात करें जैसे भूख वगैरह लगनी हो, बॉडी का जो सिस्टम है मेटाबोलिज्म इसको मॉनिटर करना हो, खाने का अच्छा से डाइजेस्ट होना हो, ये सारे काम हो जिंक इसमें हेल्प है वो करता है। वो जिंक क्या है, जिंक मिनरल है जो कि हमें बाहर से लेना पड़ता है, मतलब जिंक हमारी बॉडी में नहीं होता है, ये बाहर से मिनरल्स की फॉर्म में लेते हैं। बाकी चीज़ें तो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं जैसे कि ब्लड वगैरह हो ये, बट जिंक जैसी चीज़ है वो हमें क्या करनी है, बाहर से मिनरल्स की फॉर्म में लेनी पड़ती है, ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। अभी एक स्टडी ये आई, रिसर्च आई कि भाई इंडिया के अंदर जिंक है ना इसकी कमी हो रही है लोगों के अंदर, मतलब लोग है वो जिंक को कम एब्जॉर्ब है या कम खा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिंक का इकट्ठा ले मार्केट से आप खाने लग गए, मतलब कि जिंक जो मिनरल जिस भी प्रोडक्ट में होता है उसकी हम कंजप्शन काफ़ी कम कर रहे हैं। और इसका रीज़न क्या आया है सामने, इसका रीज़न ये आया है अभी स्टडी के दौरान कि अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना इसकी वजह से वातावरण में CO2 बढ़ गई है, और अगर वातावरण में CO2 बढ़ गई है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो क्रॉप्स है ना फसल है उस फसल में CO2 की वजह से जो जिंक है ना इसकी कमी हो जाती है। ये स्टडी सामने आई कि भाई अगर वातावरण में CO2 बढ़ेगी तो फसलों के अंदर के जो भी बीज गेहूं चावल वगैरह है इसके अंदर के जिंक की मात्रा कम हो जाती है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हुई क्लाइमेट चेंज हुआ तो उसका इफेक्ट हो रहा है जिंक पे। अब देखो जिंक अगर कम हो रहा है तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें ये भी बताया गया है कि इंडिया के साउथ स्टेट और यहाँ पे नॉर्थ स्टेट, मतलब वो स्टेट जहाँ पे चावल को ज़्यादा कंजर्व किया जाता है ना उन स्टेट में जिंक की कमी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। मिनरल्स के अंदर मैंने आपको बताया कि मिनरल्स एक तरीके के न्यूट्रिशंस ही होते हैं जो कि हमारी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं इनको रेगुलेट करते हैं।
अब देखो और देखते हैं कुछ और फैक्ट यहाँ पे, बिकॉज जिंक जो एक मिनरल है हमारी बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट, इसी तरह कुछ और मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि हमने कैल्शियम के बारे में पढ़ा है जो कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आयरन के बारे में पढ़ा है जो कि ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मैग्नीशियम हुआ, पोटेशियम हुआ, जिंक, तो ये क्या है मिनरल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको हम बाहर से अब जो है वो करते हैं। अब इसी के साथ ही जिंक है, इसका यूज होता है प्रेगनेंसी में, मतलब कहीं ना कहीं इसका रोल होता है चाइल्डहुड में, इसी के साथ ही जो एडोलेसेंस है वहां भी इनका काफी इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ वगैरह में। और जिंक अगर किसी भी बात किसी भी मतलब इंसान में कमी हो जाती है जिंक की, तो उसकी वजह से उसे भूख नहीं लगना, उसको स्मेल नहीं आती, इसी के साथ ही मतलब वजन कम होना, ऐसी काफी सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। जिंक के मेनली सोर्सेज की बात करें तो रेड मीट होता है, इसके साथ ही पोल्ट्री प्रोडक्ट हो गए हैं, अंडे वगैरह, ये इसके मेन सोर्सेज हैं वो होते हैं। और इंसान की ग्रोथ कम हो जाती है अगर जिंक की कमी हो जाती है दूसरे में, तो ये कुछ हमने सिस्टम देखे, इम्यून सिस्टम कमजोर है वो हो जाता है। तो जिंक के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या यूपीएससी पूछ सकती है स्टेटमेंट के थ्रू। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मेलामाइन। देखो मेलामाइन है ना वो एक तरह का केमिकल कंपाउंड है, पहली बात तो ये है। सबसे पहले तो कंटेक्स्ट देखते हैं, कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया ने चाइना से जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जाता है ना उन पे बैन लगा रखता है। क्यों? क्योंकि चाइना है वो उन प्रोडक्ट्स में मेलामाइन का यूज वो करता था। अब देखो जो मेलामाइन है ना वो एक तरह का टॉक्सिक केमिकल है, जो कि देखो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अभी इसकी स्टडी ऐसी सामने नहीं आई है कि जो मेलामाइन है ना ये इंसान की हेल्थ पे डायरेक्टली कोई इफेक्ट है वो डालता है, बट कुछ इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो जानवरों पे स्टडी करके देखे गए हैं। तो इसीलिए मेलामाइन को किसी भी कंट्री ने या किसी भी कंट्री की जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है उसने अलाउ नहीं कर रखा है, और चाइना इसका यूज करता है। क्यों? क्योंकि देखो चाइना क्या करता है, जैसे कि मान लो दूध के अंदर पानी मिला है, तो अब दूध के अंदर पानी मिलोगे तो ऑब्वियसली दूध के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो कम हो जाती है, और उसको कवर करने के लिए क्या किया जाता है, प्रोटीन वगैरह इसे मिलाने के लिए उसमें मेलामाइन का यूज किया जाता है, ताकि मेलामाइन अगर मिला दिया जाता है तो क्या होगा, प्रोटीन की जो मात्रा है वो बनी रहेगी। तो ऐसा कुछ लॉजिक है वो मेनली यूज होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दूध में पानी मिला दिया जाता है इसका मतलब क्या होगा, दूध में प्रोटीन की कमी होगी। अगर दूध में प्रोटीन की कमी होगी तो उसको कवर करने के लिए चाइना की कंपनी क्या करती है, उसमें मेलामाइन मिला देती हैं। अब मेलामाइन मिला देती हैं तो देखो वैसे तो पता नहीं चलता उसका, बट अगर कंजप्शन किया जाता है तो उसके टेस्ट में भी थोड़ा पता है वो चल जाता है, और इसीलिए इंडिया ने इसका इम्पोर्ट है चाइना के जो मिल्क प्रोटीन है इनका इम्पोर्ट बैन कर दिया था। तो ये तो हमने देखा, क्योंकि जो मेलामाइन है ना ये प्रोटीन का एक मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है, मतलब मेलामाइन में प्रोटीन भारी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए जो प्रोटीन शेक वगैरह होते हैं इनमें मेलामाइन का नॉर्मली यूज है वो किया जाता है। अगर देखो मेलामाइन के हम साइड इफेक्ट की बात करें ना, तो नॉर्मली होता है कि किडनी फेलोर या फिर किडनी में स्टोन जैसी प्रॉब्लम, ऐसी के साथ ही साथ जी मिलना, इसी तरीके कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो देखी जाती है नॉर्मली। बट वैसे अभी तक कोई ऐसी स्टडी सामने आई नहीं है कि इंसान के ऊपर डायरेक्टली मेलामाइन ने कुछ इफेक्ट है वो किया है, बट प्रोटीन पाउडर्स में मेलामाइन का नॉर्मली यूज है वो होता है। है कहाँ से, जब मैंने आपको बताया कि इसमें काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन क्रिस्टल्स होते हैं और इसका कलर है वो एक तरीके से क्रिस्टल फॉर्म, जैसे चीनी के दाने होते हैं उसी टाइप का यह प्रोडक्ट है वो होता है। इसका मेनली जो यूज़ है मेलामाइन का वो प्लास्टिक बनाने में, इसी के साथ कोई भी गम वगैरह बनानी हो, इसी के साथ ही काउंटर टॉप्स बनाने हो, डिशवेयर बनाने हो, इसी के साथ ही व्हाइट बोर्ड्स हैं, इनमें मेनली इसका यूज़ है वो होता है, मतलब इस इंडस्ट्री में इनका भारी मात्रा में यूज किया जाता है। बट चाइना की कुछ कंपनियां ऐसे यूज कर रही थी। तो अभी कंटेक्स्ट ये आया था कि इंडिया ने जो चाइना से ये चीज़ें इंपोर्ट होती थी ना मिल्क प्रोडक्ट, इनको अभी मतलब बैन है वो हटा दिया है। क्यों? क्योंकि चाइना ने मेलामाइन का जो मिलावट थी वो मतलब कम है वो बंद है वो कर दी है। तो इसी को लगे कंटेक्स्ट है, तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।